समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन आरओ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पानी व्यवस्था को खाद्य विभाग से जोड़े जाने और लाइसेंस की अनिवार्यता पर प्रसन्नता जताते हुए प्रतिवर्ष डीजल बिजली बिलों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आरओ पानी की 20 लीटर की कैन पर ₹5 बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष बैरागी ने पत्रकारों को बताया कि पानी का मानव जीवन में कितना महत्व है। शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बनी रहती है, वहीं कई स्थानों पर शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बीमारियों को फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसके लिए शुद्ध एवं साफ पानी की आवश्यकता पड़ती है। तात्कालिक समय में कई लोग आरओ चिल्ड वाटर के व्यवसाय से जुड़ गए हैं। इस व्यवसाय को चलाने के लिए एक प्लांट लगाने के साथ ही कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है। वहीं पानी के परिवहन के लिए चलने वाले चौपहिया वाहनों में लगने वाले डीजल और बिजली के बढ़ते दामों के बावजूद पानी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए शहर के आरओ प्लांट व्यापारियों की सहमति से प्रतिदिन कैन लेने वालों को ₹25 व एक दिन छोड़कर लेने वालों को ₹30 मिनिमम चार्ज ₹300 प्रति माह करने तथा शादी पार्टी में ₹30 व 50 जार से कम मंगाने वालों पर ₹100 अतिरिक्त भाड़ा तय किया है। जित्था पंचकोशी परिक्रमा में निःशुल्क आरओ पानी की व्यवस्था की जाएगी। शहर में किसी के यहाँ गमी होने पर उठवाने के दिन निःशुल्क आरओ पानी की व्यवस्था की जाएगी। पत्रकार वार्ता में आरओ एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष बैरागी, उपाध्यक्ष सुनील कौशल, सचिव विवेक जैन, महेश सोलंकी, रूपेश तिवारी, कोषाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी सुखी बग्घा, संरक्षक परिचय चौरसिया एवं उत्कर्ष शर्मा उपस्थित थे। इन सब समस्याओं को लेकर जो संगठन तैयार करा है और शासन के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग में सभी लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नहीं था वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। गुरुवारों की हर साल की 3,000 रुपीज रहेगी, कोई कमी रहेगी, उसके हिसाब से लेकर सब लोग कुल मिला के आप चाहते क्या? चाहते ये है कि ₹25 रेट 1 तारीख से हम लोगों ने कर दिए। अभी जो ₹15, ₹10 या ₹20 जो भी थे वो ₹25 रेट 1 तारीख से। क्या परिस्थिति आ गई इस ₹15 आप एकदम बढ़ा रहे हैं? नहीं हम लोग अजीब लोगों ने पास में कांड है, वो लोग तो ऑलरेडी ₹20 से कम को ₹10 दे रहे थे। नहीं हमने 10 वो लोग दे रहे थे जिन लोगों के पास कुछ कांड है वो सर ऐसे ये जो हमने एकत्रित करा इसलिए करा है कि हम चाहते हैं कि हमारे उज्जैन में जितने भी भाई प्लांट वाले जितने भी लोग हैं सभी एक रेट रखें और अच्छा पानी दें, स्वच्छ पानी दें। यहाँ पे आज अगर उज्जैन में उस टाइम पे हमारे यहाँ पे आज 2014 में देखा जाए तो 30 प्लांट हुआ करते थे, आज 200 प्लांट है। तो भैया कौन कैसा पानी दे रहा है? कोई ₹15 में रख रहा है, कोई ₹10 में रख रहा है, कोई ₹25 में रख रहा है, कोई ₹20 में रख रहा है। इसका ये महत्व है कि जब हमने प्लांट चलूंगा, जब हमारा प्लांट का जो 2014 और जो 2013 का रेट था उस टाइम पे ₹35 से ₹30 के लगभग था, और आज जो रेट है वो ₹15 ₹25 या ₹13 ऐसा, तो सभी का रेट एक हो जाए और सब स्वच्छ पानी दे जिसमें TDS मीटर रहता है, जो कि हम चाहते हैं कि 100 से 150 TDS का पानी लोगों को मिले और स्वच्छ पानी मिले। मेरा नाम आशीष बैरागी, प्रेस वार्ता आयोजित करें। अभी जो ऊंचे नारों संगठन के लिए संगठन हमने बनाया है तो उसके विषय में यहाँ चर्चा की गई है। जो बाज़ार में 10-15 रुपये लोग पानी बेच रहे हैं, अशुद्ध पानी बेच रहे हैं, कैसे ही भर के ला के और ग्राहक तक पहुँचा रहे, इसलिए जो प्रेजेंट के आरओ प्लांट वाले हैं उनकी जो है क्वालिटी और उनकी बात ख़राब हो रही है बाज़ार में, के सारे प्लांट वाले ऐसे ही पानी बेच रहे हैं। इसी को लेकर हमने संगठन बनाया है ताकि बाज़ार को शुद्ध पानी मिल सके और उच्च क्वालिटी का और गुणवत्ता वाला पानी सभी को पहुँचे। उसके लिए क्या कॉस्टिंग अभी बाज़ार में 15-20 रुपये जिसका मना है वैसा पानी मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि एक संगठन बन के बाज़ार में पूरे पानी का एक ही रेट रहे और उज्जैन शहरवासियों को स्वच्छ और साफ जल गुणवत्ता वाला प्राप्त हो। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को दरकिनार करते हुए अगर बेचते हैं कम रेट में तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल ऐसे लोग हैं सर, जो हम ये व्यापार है सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सभी को संगठित होकर उन लोगों को भी संगठन में लाएं, ताकि हमारा ये है कि सभी लोग अपना धंधा करें और अच्छी क्वालिटी में माल बेचें। सभी को संगठन में लाने का हमारा मतलब यही है कि अभी जो अलग अलग हैं उन लोगों को लाएं। अभी किसी को पता नहीं है, वो अलग व्यक्ति धंधा कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है,
क्योंकि आप अभी लोग असंगठित हैं, सब लोगों को संगठन में लाएंगे तो एक जैसा काम होगा। आपका नाम और संगठन का पोस्ट बताओ। सुनील कौशल, उपाध्यक्ष, उज्जैन आरओ एसोसिएशन। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।